जिला सम्मान। उन्नाव में फैज अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी शेखवाड़ा उन्नाव से अपनी मेहनत और लगन से अपने जिला और मोहल्ले का नाम रोशन किया है। रोशनी के स्वर्गीय बाबा फरीद के होते हैं, वह जिनकी पहचान बताना बड़ी बात नहीं है यार। इतनी के मशहूर समाज सेवक बाबा फरीद के पोते हैं फैज अहमद ने लॉकडाउन के टाइम में मेहनत और मशक्कत से पढ़ाई करके रात दिन एक करके नीट कोचिंग में 600 अंक क्लियर किए हैं। फैज अहमद मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि आजकल के नौजवानों और बच्चों को मेहनत से पढ़कर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए। बताया कि हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाई कराएं। हालात चाहे जैसे भी हो, पढ़ाई आज के दौर में बहुत जरूरी है। आपकी लगन अगर किसी भी लाइन में है तो उस लाइन की पढ़ाई के लिए उस लाइन में अच्छा मास्टर बनकर आगे आए और काम करें। इनकी यही मेहनत और लगन देखते हुए शेखवाड़े मोहल्ले के लोगों ने फैज अहमद को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया। स्वागत जिंदगी के लिए मनोज पाल की खास रिपोर्ट। यहाँ पे आए और हमें फैज भाई का उतरा गया कि यही कर रहे हैं बस आप इसी लोग इसी तरह अपना मेन इल्म जो है इल्म हासिल करें, इसको बढ़ाएं, आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। तालीम जिसको तालीम भी कहते हैं, इल्म भी कहते हैं, शिक्षा भी कहते हैं, पढ़ाई भी कहते हैं, अगर ये आपके पास है तो आप दुनिया के किसी कोने में फेल नहीं होंगे। मैंने नीट क्वालिफाई किया 2022 का और इस साल इसी साल का, और मुझे हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और मेरी रैंक 21,000 थी ऑल इंडिया रैंक, और स्टेट रैंक मेरी 2500 के करीब थी। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इल्म हासिल करवाएं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये ना कहें कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका पैसा एक इन्वेस्ट हो रहा है और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है। बस अब यही कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को इल्म हासिल करवाएं और वो जितना पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाएं। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप बस इल्म हासिल करें, और जिस साइड में भी आप इल्म हासिल करें, ज़रूरी नहीं ऐसा कि आप डॉक्टर ही बने और इंजीनियर बने। आप जिस भी लाइन में हैं, मान लीजिए कि भाई लोग हमारे रिपोर्टर हैं, अब रिपोर्टर में भी आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाएं, उसमें मास्टर बने। एवरी लाइन हैज इटसेल्फ इट्स मास्टर, कि हर लाइन में एक मास्टर ज़रूर होता है। तो वो मास्टर जब इंसान हासिल कर लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी का गोल अचीव कर लेता है। अब मेरा डॉक्टर बनना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर बन गया, मुझे डॉक्टर में एक हाई क्वालिफाइड डॉक्टर बनना पड़ेगा, वो चीज़ में मुझे मास्टर बनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर मैं किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहा हूँ तो ये सक्सेसफुल होए हुए, तो वो हमें मास्टर हासिल करना पड़ेगा, तब हमारी जाके एक नाम और शौक वो होएगी कि हम डॉक्टर अच्छे डॉक्टर बन गए। एक डॉक्टर और एक अच्छे डॉक्टर में फ़र्क होता है, और एक चीज़ों में फ़र्क होता है। बस ना कहना।